सड़क किनारे रहने वाले कुत्ते की हत्या के लिए ऑटो चालक को सुपारी देने का आरोप है। नमस्कार, शाखा रोड न्यूज में आपका स्वागत है, मैं खुशी नायक। किसी इंसान को मारने के लिए एक सुपारी देने की बात तो सबने सुनी होगी, पर एक शख्स ने इससे एक कदम आगे बढ़कर एक कुत्ते के मर्डर की सुपारी दे डाली, वो भी 5000 रुपए में। वर्सोवा पुलिस ने इस मामले को सुलझाते हुए एक कुत्ते की हत्या के जुर्म में एक ऑटो चालक वो उसके दो दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग की सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया है। सेक्रेटरी पर सड़क किनारे रहने वाले कुत्ते की हत्या के लिए ऑटो चालक को सुपारी देने का आरोप है। तुषार गोगिया सात बंगले में रहते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ 2001 से वर्सोवा परिसर में सड़क किनारे रहने वाले कुत्तों को खाने की व्यवस्था भी करते हैं। 15 फरवरी को उन्हें पता चला कि जिन कुत्तों को वो खाना खिलाते हैं उनमें से एक सफेद और एक काले रंग का कुत्ता गायब है। उन्होंने पता किया तो एक वॉचमैन ने उन्हें बताया कि एक ऑटो में दो लोगों ने कुत्ते को बांध कर ले जाते उसने देखा है। बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच में ये पुष्टि की गई। उसी के आधार पर तुषार गोगिया ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। मामले की जांच कर रहे एपीआई सोहन कदम ने ऑटो चालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उस कुत्ते को पकड़कर हत्या करने के लिए उस बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने उसे 5000 रुपए की सुपारी दी थी। इस काम के लिए उसने अपने दो दोस्तों को भी साथ लिया था। उन लोगों ने कुत्ते की हत्या कर वर्सोवा बीच के पास मैनग्रोव्स की झाड़ियों में फेंक देने की पुष्टि भी की। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।